ये गोविंद कुमार हैं और इनके हाथ में एक पेपर का कटिंग है, इनके भाई का तबीयत खराब है और शायद उनके इलाज में कितना पैसा लगने वाला है? 14 लाख रुपए। 14 लाख रुपया। मैं डोनेशन इकट्ठा करना मैंने बंद कर दिया, ना ही मैं इनका अकाउंट नंबर दे सकता, ना ही बच्चे के लिए फंड राइज कर सकता। बस विनती है कि जो लोग अयांस वाले मुद्दे पे मुझे गाली दे रहे थे, वो लोग आके बचा ले इस बच्चे को, बचा ले इस बच्चे को। अगर उस समय आप लोग साथ दिए होते, ना जाने आज तक मनीष कश्यप सैकड़ों बच्चों का भविष्य बचा लिया होता। उस समय आप लोग जो है, बहुत सारे लोग जो है मुझे चोर कह रहे थे, तो आज जाके जो है बचाइए। मैं दुर्गा स्थान पे हूँ और ये पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुर्गा मंदिर है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। और मैं यहाँ पे सर पे हाथ रख के कसम खा रहा हूँ कि मैं आयास वाले मुद्दे पे 1 रुपया नहीं लिया था उसके माँ बाप से, 1 रुपया, फिर भी मुझे बदनाम किया गया। ये भाई साहब हैं और पिछले 1 घंटा से मेरे पीछे पड़े हैं, एक पोस्ट किए थे ही मेरे लिए, नहीं किए थे, फेसबुक खोल के दिखा दिए। ये है सच्चाई अपने बिहार का, जब जरूरत पड़ता है तो टांग खींचते हैं और जब अपने ऊपर जब आफत पड़ता है ना तो हाँ भाई साहब हुजूर हुजूर। आप मेरे लिए पोस्ट किया है आयांस वाले मुद्दे पे, दिखाइए फेसबुक पे, नहीं किया। और आज इनके भाई का तबीयत खराब है, 14 लाख रुपया लग सकता है। 14 लाख रुपया तो मैं 2 दिन में इकट्ठा करा सकता हूँ, सिर्फ 2 दिन में, लेकिन तीसरा दिन फिर कोई मुझे चोर कहेगा, फिर मैं क्या करूंगा? 2 दिन काफी है, 48 घंटा काफी है। जो मनीष कश्यप 1 महीना से कम समय में 7 करोड़ रुपया इकट्ठा करा सकता है, वो 2 दिन में 14 लाख रुपया इकट्ठा नहीं करा सकता है, एकदम इकट्ठा करा सकता है। और ये मंदिर है, मंदिर के सामने अगर मैं झूठ बोलू ना तो भगवान जो है मुझे बरकत ना दे, एकदम दुर्गा मंदिर के सामने मैं कह रहा हूँ। और दुर्गा माँ का कसम खा के, मैं अपने सर पे हाथ रखे कसम खा के बोल रहा हूँ कि आयांस वाले मुद्दे पे मुझे 1 रुपया नहीं मिला, लेकिन बहुत सारे लोग बदनाम किए मुझे। अब मैं क्या करूँ, इस भाई का कैसे मदद करूँ? इस भाई का भाई मर जाएगा अगर कोई मदद नहीं करेगा तो, है हिम्मत कोई बेगूसराय में आगे आ जाए, है हिम्मत कोई नेता आगे आ जाए, है मत कोई सांसद आगे आ जाए, है मत जो विरोध कर रहे थे वही लोग आ जाए इस बच्चे के लिए और इसका भाई को बचा ले। कितना साल उम्र है आपके भाई? 19 साल उम्र है। सोशल मीडिया यूज करते हैं कि नहीं? हाँ करते हैं। काहे नहीं मेरे समर्थन में पोस्ट किए? उस समय तो मनीष का सिर्फ चोर लगा होगा आपको, नहीं, तो काहे नहीं किया मेरे समर्थन में पोस्ट? कमेंट सर करते थे। क्यों नहीं किया? कमेंट दिखाइए आप दिखाइए कमेंट, एक कमेंट नहीं किए होंगे आप मेरे समर्थन में। अरे कब तक टांग खींचेंगे? अरे टांग खींचते खींचते जो है एक बार हमें भी झटका लगेगा। 1 घंटा से ये मेरे, मैं तो दीपक रिक्शा वाले का भी खाता नंबर नहीं डाला था सोशल मीडिया पे, कहीं नहीं डाला था। अब जाके देखिए मेरे वीडियो में और मेरे फेसबुक पे, कहीं दीपक रिक्शा वाले का खाता नंबर नहीं डाला था, लेकिन जब दीपक रिक्शा वाले को 2 दिन में 2 लाख रुपया से ज्यादा आ गया तो बहुत सारे लोग जो है खोजी मीडिया बन गए। अरे खोजी कीजिए ना, बिहार में बहुत सारे लोग जो है इलाज के बिना मर जा रहे हैं, जाइए ना अस्पताल में आवाज उठाइए। मेरे वजह से तो कोई मर नहीं रहा है, उल्टा मैं किसी को जिंदगी दे रहा हूं, उल्टा मैं किसी के लिए फंड इकट्ठा कर रहा हूं, पैसे का व्यवस्था करा रहा हूं। अगर आपके नजर में किसी के लिए फंड इकट्ठा करके, किसी के लिए पैसा व्यवस्था करा के उसका जिंदगी बदल दे रहा हूं और आधा पैसा मैं ही खा जा रहा हूं, तो इसमें मैं गुनाह क्या कर रहा हूं? कम से कम एक आदमी का तो जिंदगी तो बन जा रहा है। आप ही के नजर में, आप ही के अनुसार मैं पूछना चाहता हूं, मैं अगर आयांस वाले मुद्दा पे 16 करोड़ रुपया इकट्ठा करके उस बच्चे को बचा लेता और 16 करोड़ रुपया मेरे खाते में आ जाता तो कम से कम एक बच्चे को तो बचा लेता। यहां पे तो नेता तो पूरा पैसा खा जा रहा है। इनका इलाज बेगूसराय के सदर अस्पताल में होना चाहिए कि नहीं? पटना के एम्स में होना चाहिए कि नहीं? पटना के IGIMS में होना चाहिए कि नहीं इस बच्चे का इलाज, बताइए। अभी नरेंद्र दामोदर दास मोदी का तबियत खराब हो, अभी बिहार के एक IAS IPS का तबियत खराब हो, अगर बिहार के सांसद विधायक मंत्री का तबियत खराब हो, उसका इलाज होगा कि नहीं? उसके बच्चे का इलाज होगा कि नहीं? और ये दर दर की ठोकरे खा रहे हैं, कसम से मुड़ी पे हाथ रख के क्रिया खाइए। आप पैसा दिए हमको? नहीं। कल आप भी बदल जाइएगा? नहीं नहीं, हम कसम खाते हैं। और बदल जाइएगा आप, आयांस के माता पिता कहा नहीं मेरे समर्थन में केस किए? नहीं किए। कल अगर वो आरोप लगेगा कि 14 लाख रुपया कहां से आया, 14 लाख रुपया 15 लाख रुपया में इनका भाई जो है बच सकता है, आरोप लगेगा, नहीं तो बोलेंगे मेरा तो काम हो गया ना, और मनीष कश्यप जय भाड़। ऐसा हुआ है, रोज झेलता हूँ, हर महीना झेलता हूँ, हर दिन झेलता हूँ मैं, हर दिन झेलता हूँ। अगर बेगूसराय के लोग सिर्फ और सिर्फ 5-5 रुपया दे देंगे ना, तो आपके भाई जैसे कम से कम 500 लोगों का इलाज हो जाएगा। कितना कितना रुपया? 5-5 रुपया दे देंगे। लेकिन मैं डर के मारे, मुझे हिम्मत नहीं है कि मैं आपका खाता नंबर डाल दूं इसमें, और मैं अगर डाल दूंगा ना तो 2 दिन में पैसा इकट्ठा हो जाए। लेकिन क्या करूं, मैं भी तो मजबूर हूं। कितना बार, एक बार आरोप झेला, 2 बार झेला, 3 बार झेला, 4 बार झेला, कितना बार झेलूंगा? यहाँ पे बहुत सारे लोग देख रहे हैं, बहुत सारे लोग देखे, कितना बार मैं झेलूंगा आप ही बताइए। मेरी मजबूरी है, मैं क्या करूं आप बताइए। मेरे जगह पे आप होते तो क्या करते, बताइए क्या करते?
लेकिन मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। और मेरे से जितना होगा उतना मैं मदद करूंगा। मन करे आपको तो करना, मन करे तो नहीं करना। मैं फिर से कह देना चाहता हूँ, पहले जांच पड़ताल कर लेना इनका कैरेक्टर। एसपी साहब से आवास कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना के लाए हैं, एफिडेविट दीजिए मुझे कि मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ कि मैं जो बोलूंगा वो सत्य बोलूंगा, सत्य के सिवा असत्य नहीं बोलूंगा। क्योंकि आप बोल दीजिएगा कुछ और, 14 लाख रुपया खर्चा है और कल 12 लाख रुपया में आपके भाई का इलाज हो जाएगा तो लोग बोलेंगे 2 लाख रुपया मनीषवा कमीशन के लिए किया है। सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही है कि नहीं है? आप जाइए एसपी साहब से चरित्र प्रमाण पत्र बनवा के आइए कि आपके घर पे किसी के ऊपर केस मुकदमा हुआ है कि नहीं। आयांश का तबियत खराब था, उसके बाबूजी के ऊपर केस था, उसमें आयांश की क्या गलती थी? इनका भाई का तबियत खराब है, कहीं इनका दादाजी के ऊपर केस मुकदमा हुआ हो और तब जो है जाके माइक ठूस दिया जाए कि आपके ऊपर तो मुकदमा है, आप तो अपराधी है, आपके बच्चे को कैसे बचाया जाए, उस समय मैं क्या जवाब दूंगा, क्या जवाब दूंगा? और देखिए, और हाँ, आयांश वाले मुद्दे में भी मैं तब इन्वॉल्व हुआ जब नेशनल मीडिया उसको दिखाया, कवरेज किया। दीपक रिक्शा वाले के मुद्दे में तब इन्वॉल्व हुआ जब वो इस देश के 10 बड़े बड़े चैनलों पे इंटरव्यू दे चुका था, लेकिन उसका 1 रुपया का मदद नहीं हुआ। मनीष कश्यप गया, मदद हो गया बेचारे का। इस बात से जलन है कि बड़ा बड़ा न्यूज दिखाया, उसके खाते में 1 रुपया नहीं आया, मनीष कश्यप दिखा दिया तो इतना पैसा क्यों आ गया? जय दीपक रिक्शा से पूछिए, कोरोना काल में उसका पहला इंटरव्यू नेशनल न्यूज पे चला, नेशनल न्यूज पे चला कोरोना काल में, आज से 1.5 साल पहले। 1 रुपया किसी ने नहीं दिया और आज बेचारा रिक्शा वाले को थोड़ा सा मदद क्या हो गया, बहुत सारे लोगों के पिछवाड़े में बवासीर हो गया, बहुत सारे लोगों के, ये सच्चाई है। और इनका जितना मदद होगा उतना मैं करूंगा, मैं करूंगा। आपको मन करेगा तो कीजिएगा, फिर से कह देना चाहता हूं, नहीं मन करेगा तो घर पे रहिएगा, नियम नहीं है। और जिनको खोजी करना है आइए इनके आगे पीछे, जहां माइक लगाना है ठूस दीजिए, इनसे पूछ दीजिएगा, गरिया दीजिएगा हमको, आपको जो है 10-20 हजार रुपया वीडियो से आ जाएगा, 1 महीना का खर्चा आप लोगों का चल जाएगा, ठीक है। ये रखिए, मेरे से जितना होगा मैं करूंगा। और उम्मीद है कि बेगूसराय के लोग जो है, अगर ये बच्चा सही होगा, इसके भाई का बीमारी सही होगा, मैं तो बेगूसराय का हूँ नहीं, आप लोग जांच पड़ताल कीजिए और इनका मदद कीजिए। जितना करना होगा कीजिएगा लोग, वो आप लोगों की मर्जी, नहीं करना होगा मत कीजिएगा लोग, आप लोगों की मर्जी। और मेरे से जितना होगा उतना मैं करूंगा, मुझे अपना अकाउंट नंबर और फोन पे दे देना, मुझे दे देना, मैं करूंगा, मैं फेसबुक पे डालूंगा भी, और जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ ले, मेरा पैसा, मेरा पैसा भाई, मैं गढ़ा में डाल दूं, मुझे YouTube Facebook से पैसा आता है, सरकार के नजर में सारा पैसा व्हाइट है, उस पर टैक्स दे देते हैं, और टैक्स देने के बाद जो है हम कहीं पैसा खर्चा करें। तुम्हारे पेट में जो है वो बवासीर क्यों हो रहा है? हम तो करेंगे, हम करेंगे, और हम अस्पताल में भी फोन करेंगे, जिस भी अस्पताल में इलाज हो रहा है अस्पताल में फोन करेंगे। लेकिन आप लोगों से भी विनती करना चाहता हूँ, मनीष कश्यप के पीछे जो आप लोग घूमते हैं, मनीष कश्यप से उम्मीद लगा के बैठते हैं, पहले आप लोग अपने विधायक और सांसद के पास जाइए, और अगर वो मदद नहीं करता है तो उसके दरवाजे पे वीडियो बनाइए कि मैं इसके दरवाजे पे आया हूँ। विधायक सर आए और देख के सिर्फ चले गए, एक भी रुपया नहीं, जाइए। मेरे गांव वाले लोग और यहाँ के लोग भी, मेरा ये बीएड नानी घर पड़ता है और मेरा घर रानी है, और आप मुझे मंदिर में लेके आए थे, चलिए पुण्य का, क्या पता कि मैं इसी काम के लिए आया हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ये कहते, मुझे गुस्सा आ रहा था, कसम से मैं बोल रहा हूँ कि ये रास्ता जो खराब है और मेरा समय जो है लग रहा है, क्या पता माता रानी मुझे इस बच्चे के लिए लेके आई हो, क्योंकि वो फैक्ट्री के पास मैं इससे मिल नहीं पा रहा था और इसके लिए कुछ कर नहीं पा रहा। तो उम्मीद है कि आपके तरफ से भी हम करेंगे, हम करेंगे सौहृदय। नहीं नहीं नहीं, आप करेंगे कि नहीं, हम इतना ही बोल रहे हैं, आपके तरफ से भी हम करते ही, लेकिन पहले जांच कर लीजिएगा, हम करते हैं, कहीं आतंकवादी गतिविधि में नहीं ना है बचवा, पहले जांच कर लीजिएगा यहाँ पे, हम किस, हम मदद करने से पहले इनसे कहेंगे कि चरित्र प्रमाण पत्र एसपी आवास से बनवा के लाइए, हम कहेंगे क्या एसपी आवास से चरित्र प्रमाण पत्र बनवा के लाइएगा तब मदद। आपराधिक गतिविधि में लिप्त व्यक्ति भी जो बीमार होता है तो उसे फांसी नहीं दिया जाता, नहीं चाहिए, उसका पहले इलाज होता है तब फांसी का सजा दिया जाता है। मिलके करेंगे, हम लोग करेंगे, वो ये लोग खाता नंबर डालेंगे, हम नहीं डाल सकते, हम लोग डाल देंगे, हम वीडियो डाल देंगे, हमसे जितना होगा हम खाता नंबर आपका ले लेंगे, हम उसमें डाल देंगे खाते में, बाकी इन लोगों की मर्जी, नहीं तो कल इस पे भी सवाल उठ जाएगा, हम कहाँ से जवाब देंगे। अरे सवाल तो करने वाले करवे करते हैं, आप अमृत बांटिए तो उसमें भी सवाल करेंगे। और मनोबल कमजोर, माता रानी से मैं विनती करना चाहता हूँ, ये पूरे बेगूसराय का नहीं, पूरे बिहार का नहीं, पूरे देश का नहीं, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा भव्य मंदिर है, सबसे बड़ा माँ दुर्गा का,
माँ दुर्गा का इससे बड़ा मंदिर 221 फीट ऊंचा मंदिर जो है पूरे दुनिया में कहीं नहीं है। माता रानी से विनती करना चाहता हूँ कि बेड़ा पार लगाइए इस बच्चे का। जय माता दी, जय हिंद।